मंदिर परिसर के ठीक सामने से एक और प्राचीन शिव मंदिर है जिसका रास्ता जाता है। क्योंकि देखिए इस मंदिर के चारों तरफ हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेटिव यात्री। मैं निखिलेश। आज हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हिमाचल की इन सुंदर वादियों से। फ़िलहाल मैं हूँ धेरा, एक जगह है यहाँ पे, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं यह है पोंगवायर रिजर्वायर। ये रिजर्वायर रंजीत सागर जो डैम है उसकी पानी को स्टोर करने के लिए है। अभी हम जा रहे हैं आगे टू कैट द व्यू। और जो साइड में ये मक्की के खेत, मक्की उगाई हुई है, ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो ये पानी जो है वो यहाँ तक आ गया था, आगे तक, जब ये अभी पीछे आपदा आई थी हिमाचल में तो यहाँ तक ये पानी आया हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो गाइस, आज हम आए हैं बगलामुखी बनखंडी। ये बगलामुखी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर तो अभी थोड़ा आगे है। मैं गाड़ी को पार्क करने के लिए गया था अभी थोड़ा यहाँ इधर। ये इनका पार्किंग एरिया है, ये रोड से थोड़ा ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ पे छोटी गाड़ी का 50 और बड़ी गाड़ी के 100 रुपये ये पार्किंग चार्जेस लेते हैं। नॉमिनल से चार्जेस हैं रोड साइड पे खड़े करने से, टो की प्रॉब्लम हो सकती है। वो सामने आप थोड़ी थोड़ा मंदिर का पार्ट देख पा रहे होंगे। तो आइए चलते हैं बगलामुखी माता के मंदिर में और करते हैं बगलामुखी माता के दर्शन। गाइस, ये रहा गेट्स, डिफरेंट गेट्स हैं। ये गेट नंबर 3 है, एक गेट ऊपर से भी जाता है मंदिर का। और ये सामने बगलामुखी माता का ध्वज बहुत सुंदर लगता हुआ। और ऐसे आप रोड के किनारे देख सकते हो दोनों तरफ दुकानें हैं जहां से आपको प्रसाद वगैरह मिल सकता है। और यहां एक इनका होटल भी है, होटल येलो करके। काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं, काफ़ी फिल्म स्टार्स वगैरह भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये पहले मेन गेट था, यहाँ से एंट्री थी। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला है जिसके करके ये मेन एंट्री को फ़िलहाल बंद रखा गया है। और जो पुराने, ये बिल्कुल रोड साइड पे है, ये जो NH है ये सीधा जा रहा है कांगड़ा, कनेक्ट करेगा आपको। तो गाइस, हम यहाँ पहुँच गए हैं मेन गेट पर। दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें लास्ट तक आपको मिलती रहेंगी। और ये आपको बोलते रहेंगे कि प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से प्रसाद ले लीजिए। ये जो सामने शॉप्स हैं, ये मंदिर परिषद की अपनी शॉप्स हैं, जो यहाँ की कमेटी है, वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर जूते वगैरह रखने के लिए बनाया हुआ है। और वो सामने जो आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे वो रहा मेन भवन, जो जहाँ पे माता बगलामुखी की मूर्ति स्थापित है। लुक एट, अभी हम नीचे चलेंगे, नीचे से व्यू और भी प्यारा है। तो ये यहाँ की मेन मंदिर परिषद, और कुछ लोग हवन करते हुए यहाँ पे हनुमान जी। मंदिर परिसर, ये पूरा परिसर यहाँ पे इस तरह से हवन वगैरह किए जाते हैं बहुत से।
और अगर मैं यहाँ से जूम करूँ तो सामने हनुमान जी हैं, उसके साथ में भैरव जी। लोगों की लंबी लंबी कतारों में आते हुए माँ बगलामुखी देवी जी का ये प्रांगण, और यहाँ कुछ और भी मूर्तियाँ। उनके सामने पहुँचेंगे तो आपको ये मूर्ति मिलेगी, आदि शक्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति। उसके ठीक पीछे है वो भोलेनाथ शिव शंकर जी का मंदिर, ये बगलामुखी माता ही है। और ये वो जहाँ से पार्किंग एरिया जहाँ से हम आए थे, और यहाँ से देखिए मंदिर का नज़ारा, ब्यूटीफुल, सुंदर हरे भरे पेड़ों के बीच में बसा हुआ ये माँ का भव्य मंदिर, और उतनी ही भव्यता। यहाँ मंदिर परिसर के ठीक सामने से एक और प्राचीन शिव मंदिर है जिसका रास्ता जाता है। तो ऐसे कहते भी हैं कि जब भी आप किसी शक्तिपीठ में जाओ तो वहाँ जाने के बाद आपको शिव जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो यहीं से स्टेयर्स उतरती हैं और वो सामने बैठे हैं मेरे महाकाल। चलिए चलते हैं भगवान महाकाल से मिलने। विराजमान ये हवन कुंड और नंदी जी के ठीक सामने वो बैठे हैं मेरे महाकाल। गाइस ब्यूटी देखिए इस मंदिर के चारों तरफ, awesome कंस्ट्रक्शन, और किस तरह से ये नाला डाइवर्ट किया है। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा माता बगलामुखी के धाम का ये दिन, और अब चलते हैं वापसी घर की तरफ। होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड कीप वॉचिंग नेटिव यात्री। बाय बाय।